हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रवीण और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढके हाथों को। तो अगर आप भी इस स्केलेटन से परेशान हैं तो आज की इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखते रहिए फ्रेंड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे इस स्केलेटन को अपने फ़ोन से हटा सकते हैं, कैसे अपने फ़ोन से इस स्केलेटन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा हमारे देश में भी कोरोना को लेकर सरकार काफ़ी हाई अलर्ट पर है। जितने सारे स्कूल्स है, कॉलेज है, मॉल वगैरह सारे कुछ अभी सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। और इसी को देखते हुए फ्रेंड, सरकार ने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर को यह ऑर्डर दिया कि वे अपने कॉलर ट्यून के माध्यम से लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे इस वायरस को लेकर। तो आप जब भी किसी को कॉल करते हो तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में 30 सेकंड का कोरोना वायरस को लेकर एक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है एज अ कॉलर ट्यून। और उसी के बाद आप जिसे भी कॉल कर रहे हो आप उससे बात कर सकते हो। तो समटाइम्स होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इरीटेट कर देता है। जब भी किसी को कुछ इंपॉर्टेंट कॉल कर रहे हैं और उस टाइम आपको ये कॉलर ट्यून सुनाई दे तो आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। तो गाइस, इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने फ़ोन से इस कॉलर ट्यून को हटा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना ही है कि आप जब भी किसी को कॉल करते हो और जब आपके फ़ोन में ये कॉलर ट्यून सुनाई दे तो आपको अपने फ़ोन के डायलर पैड में 1 प्रेस कर देना है। सो 1 प्रेस कर देने के बाद आपके फ़ोन में वो कॉलर ट्यून बंद हो जाएगा और आप जिससे बात करना चाहते हो आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपने फ़ोन से इस कॉलर ट्यून को हटा सकते हो। और फ्रेंड, अगर आपके फ़ोन में 1 प्रेस करने से यह कॉलर ट्यून ना हटे तो आप हैच प्रेस कर सकते हो। हैच प्रेस करने से भी यह कॉलर ट्यून आपके फ़ोन में हट सकती है। बट गाइस, अगर आप एक जियो यूज़र हो, अपने फ़ोन में जियो सिम यूज़ करते हो तो आपके फ़ोन में हो सकता है ये ट्रिक काम ना करे। तो गाइस, इसके लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। तो गाइस, अगर आप अपने फ़ोन में जियो सावन ऐप के थ्रू कोई भी कॉलर ट्यून सेट कर रखे हो तो आपके फ़ोन में इस कॉलर ट्यून को जरूर सुनाया जाएगा। बट अगर आप चाहते हो इसे डीएक्टिवेट करना तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपने फ़ोन में एक मैसेज करना पड़ेगा स्टॉप लिखकर, STOP स्टॉप लिखकर 15523 पर मैसेज कर देना। और गाइज, मैसेज करने के बाद आपके फ़ोन में कॉलर ट्यून को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो गाइज, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में इस कॉलर ट्यून से छुटकारा पा सकते हैं। बट गाइज, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस कॉलर ट्यून को हटाएं, बिकॉज आपको पता ही होगा हमारे देश में भी कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी हाई अलर्ट पर है सरकार। सो गाइज, यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहिए और अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके उतना सिक्योर रखना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड, आपको पता ही होगा इस वायरस के चलते पूरे वर्ल्ड वाइड में करीब 5000 से ज़्यादा पीपल्स की डेथ हो चुकी है और तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा पर्सन इस वायरस से इन्फेक्टेड है। तो हो सके तो फ्रेंड अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रखें और जहाँ भी जाएँ अपने मुँह पर मास्क जरूर लगाएँ और अपने साथ एक सैनिटाइज़र कैरी जरूर करें। क्योंकि फ्रेंड, ये वायरस कोई मजाक नहीं है, बहुत सी जाने जा चुकी है इस वायरस के थ्रू। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने आप को सेफ रखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सअप पर। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मेक श्योर बगल में उस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर, जिससे कि आपको हमारी हर एक नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।